So student, this is the third part of the science video class 4 of chapter 1. In the previous video, we have discussed about habitat adaptation or the terrestrial habitat. Now in this video, we will discuss about water or aquatic plants, yani ki water or aquatic habitats and other plants. So the first topic is water or aquatic plants. वाटर यानी कि वाटर और एक्वाटिक हैबिटेट्स और प्लांट्स मीन्स वैसे प्लांट्स जो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें हम वाटर और एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं. और जो प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें वाटर के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. और ये वाटर और एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड है फिक्स्ड प्लांट्स और थर्ड है सबमर्ज्ड प्लांट्स. तो आइए जानते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में. फ्लोटिंग प्लांट्स, वैसे फ्लोट का मतलब होता है तैरना, तो वैसे प्लांट जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं उन्हें हम फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो गए अगर आपके घर के आसपास में पोखर तालाब कुछ वगैरह होगा तो उसमें हमेशा हरी हरी पत्तियों वाला फूल वगैरह पूरी तालाब को झड़ ढक लेते हैं जिनकी पत्तियां हरी होती है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल डकवीड, हाइसिन. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज फिक्स्ड प्लांट, यानी कि वाटर में कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं, तैरते नहीं रहते हैं, उन्हें हम फिक्स्ड प्लांट्स बोलते हैं. सच प्लांट्स रूट्स आर फिक्स्ड टू बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि इनके जो रूट्स होते हैं उन पानी की गहराई में नीचे एक जगह फिक्स होते हैं और इनके स्टेम्स जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और इनके लिप्स के जो कोटिंग होते हैं लिप्स पे वैक्स यानी कि चिपचिपा टाइप का कोटिंग होता है जो उनके लिप्स को सूखा रहने में और सड़ने से बचाता है. सो फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जाम्पल है आपके लोटस और वाटर लिली. नेक्स्ट और थर्ड है आपका सबमर्ज्ड प्लांट्स. सबमर्ज्ड मीन्स होता है पूरी तरह से डूबा हुआ, यानी कि वैसे प्लांट्स जो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं उन्हें हम सबमर्ज्ड प्लांट्स बोलते हैं. सच प्लांट्स हैव नैरो लीव्स, इनके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल पतले और सकरे होते हैं और लंबे होते हैं. दे ब्रीद थ्रू द सर्फेस एंड कीप द वाटर क्लीन, और ये पानी के अंदर ही ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं और पानी के सतह को साफ रखते हैं. और इन्हें जो न्यूट्रिएंट्स या जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है वो ये वाटर से ही डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं. और इसके एग्जांपल है पॉन्डवीड, टेप ग्रास, यानी कि पानी के अंदर जब आते हो पूरी तरह से आप जाओगे तो देखो कि वहाँ पे भी ढेर सारे घास फूस होते हैं, वही जो है एग्जाम्पल है सबमर्ज प्लांट्स के. नेक्स्ट टॉपिक था आपका इस चैप्टर का अदर प्लांट्स, यानी कि लैंड हैबिटेट और वाटर हैबिटेट के अलावा भी कुछ ऐसे हैं प्लांट्स है जो खुद को सर्वाइव करते हैं इस एनवायरनमेंट में. सो आइए उनके बारे में जानते हैं. तो उसमें सबसे पहला आपका जो टाइप है वो है नॉन ग्रीन प्लांट्स का, यानी कि वैसे प्लांट जो हरे नहीं होते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते और ये दूसरे मैंने डेड प्लांट्स पे जो वैसे पेड़ पौधे जो मरे हुए होते हैं मैंने जो सड़ चुके होते हैं उन पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं. फॉर एग्जांपल आप और इन नॉन ग्रीन प्लांट्स को सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं, SAPROPHYTES सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं इनको हिंदी में परजीवी, यानी कि दूसरों के पर अपने जिंदगी के लिए दूसरों पर निर्भर करना. एग्जांपल इसके होते हैं मशरूम, कैरोल रूट, इटीसी. जब आपके अगल बगल में कहीं कोई पेड़ सड़कर गिर जाता हो तो आप देखते हो कुछ दिनों बाद उसमें व्हाइट व्हाइट छाता वाले मशरूम उगाते, वही जो है आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स के एग्जांपल हैं. पाउच. सो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 4 विच इज कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. यानी और ये कार्निवोरस प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं अदर प्लांट्स के पाउच. कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो आते हैं आपके अदर प्लांट्स के कैटेगरी में जो कि ना तो वाटर हैबिटेट होते हैं और ना ही लैंड हैबिटेट होते हैं. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो जैसा कि हम देख रहे हैं कार्निवोरस, कार्नी
उनका मतलब होता है मीट खाने वाला, मांस खाने वाला। अब लोग क्वेश्चन कर प्लांट्स भी मीट खाते हैं, तो हाँ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को के अमाउंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स पे निर्भर होते हैं, वो क्या होते हैं इंसेक्ट्स खाते हैं। ऐसे प्लांट जो होते हैं खासकर ऐसे जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ के सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। सोए अपने न्यूट्रिएंट्स के कमी को फुलफिल करने के लिए एक इंसेक्ट ट्रैप अपने आप में डेवलप करते हैं, जो क्या करता है, जैसे इनके जो एक इनका स्ट्रक्चर जो होता है हॉलो में खुला ट्यूब की तरह होता है, और उसमें वैक्सी कोटिंग होता है, यानी कि गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, और ये जब कोई भी कीड़ा मकोड़ा को अट्रैक्ट करना होता है खुद को ओपन कर लेते हैं, और जब कीड़ा मकोड़ा इन पर बैठता है तो अपने उस ट्यूब को बंद कर लेते हैं और उस कीड़े मकोड़ों को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। सो ये थे कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इसके एग्जाम्पल है पीचर प्लांट, संडे प्लांट्स इटिस। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जितना मैं बोर्ड पे देती हूँ उससे ज़्यादा आपको नोट्स की जरूरत नहीं है।